इसका अर्थ है अर्जुन कसैला गर्म कफनाशक घाव ठीक करने वाला और पित्त शामक होता है। ये श्रम की तृषा का हरण करता है और हृदय रोग नाशक है। जी हाँ, इन सब गुणों से युक्त यही है अर्जुन का वृक्ष और हमारी श्रृंखला का विषय भी। अर्जुन एक विशाल सदाबहार वृक्ष होता है जिसका छत्र फैलाव लिए होता है। इसके फूल लंबी मंजरियों में होते हैं, पत्ते गोलाई लिए हुए कुछ लंबे से होते हैं, साथ ही छोटी नोक वाले होते हैं। इसके फल 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। सभी मैदानी क्षेत्रों में नदियों के किनारे अर्जुन के वृक्ष देखे जा सकते हैं। सड़कों के किनारे छाया के लिए भी इसे लगाया जाता है। अर्जुन के वृक्षों को सूर्य का भरपूर प्रकाश चाहिए। कोमृतासी परिवार के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम टर्मिनालिया अर्जुन है। इसे संस्कृत में ककुब या अर्जुन कहते हैं और तेलुगु में तेलमद्दी कहते हैं, तमिल में मरुदमरम और कहीं कोह या जुमरा भी। इसकी लकड़ी कड़ी और सुदृढ़ होने के कारण ये वीर तरु भी कहलाता है। यूं तो अर्जुन के पत्तों और फल का भी औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, पर अर्जुन के वृक्ष की छाल सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। अर्जुन की छाल मोटी, बाहर से हल्के गुलाबी रंग की और अंदर से चिकनी होती है। लगभग 4 मिलीमीटर मोटी ये छाल वर्षा के दिनों में स्वयं ही निकलकर गिर पड़ती है। इसकी छाल हर 2 वर्षा काल में यानी हर 3रे साल नई आ जाती है। छाल निकाल लेने पर भी वृक्ष को हानि नहीं होती। छाल को हल्की धूप में सुखाकर संग्रहण कर लिया जाता है। अर्जुन की छाल की भस्म में कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 34% होता है। अन्य क्षारों में सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्रमुख है। कैल्शियम सोडियम पक्ष की प्रचुरता के कारण ये हृदय की मांसपेशियों के लिए उत्तम बताया जाता है। अनेक प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि इससे हृदय की पेशियों को बल मिलता है। रक्तवाही नलियों में ये थक्का नहीं बनने देता। अर्जुन जो है बड़ा वृक्ष होता है, जैसे बताया 50-60-70 फुट तक ऊंचा वृक्ष होता है और इस वृक्ष के बनने में भी 10-15-20 साल लगते हैं। और अर्जुन के जहां हमने कहते हैं कि इसका जो तना होता है जिसको हम कांड कहते हैं, उसकी छाल उसकी बार को हम यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन के पत्तों को भी प्रयोग में लाया जाता है।
और अर्जुन का जो मुख्य गुण है वो हृदय है, यानी कि हृदय को वो बल देता है, इसको कार्डियोटॉनिक भी कहते हैं। और इसमें जो विशेष औषधि होती है उसको अर्जुनिन कहते हैं, और अर्जुनिन के अतिरिक्त इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो तत्व हैं वो भी विद्यमान रहते हैं। अर्जुन का छाल जैसे बताया कि बच्चों में तो इसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन अगर किसी का कहते हैं कि दिल कमज़ोर है या हृदय का रोग होने की संभावना है तो अर्जुन के छाल का चूर्ण 3 से 5 ग्राम यानी कि आधा से एक चम्मच पानी से वो सुबह शाम ले सकता है। लेकिन इसके प्रयोग करने की एक विशेष विधि है कि इसका 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच अर्जुन के छाल कूटा हुआ चूर्ण, और इसको पकाइए और पानी उड़ जाए, केवल दूध रह जाए, तो उस दूध का सेवन करना चाहिए। इसको अर्जुन क्षीरपाक कहते हैं, यानी कि अर्जुन दूध में पकाया हुआ अर्जुन जो है वो ज़्यादा गुणकारी है। और ऐसा देखा है कि रोगी जो केवल पानी से अर्जुन का चूर्ण लेते हैं उनको कभी कौष्ठ विबंद होने लगता है, यानी कहते हैं कि जी पखाना या शौच साफ नहीं हो रहा, तो उस अवस्था से बचने के लिए अर्जुन को दूध में उबाल के जब हम सेवन करवाते हैं अर्जुन क्षीरपाक, तो अर्जुन जो है कब्ज नहीं करता और अपने शरीर को बल भी देता है और हृदय को भी, हार्ट को भी बल देता है। लेकिन अभी एक अनुसंधान हुआ है जिसमें बताया गया है कि अर्जुन के पत्ते उन पत्तों में भी वही गुण हैं जो अर्जुन के छाल में हैं। तो जहाँ हम पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, वृक्षों की रक्षा की बात करते हैं, तो किसी भी पेड़ की छाल उखाड़ना जो है वो उस दृष्टि से अच्छा नहीं। अर्जुन के ताज़े पत्ते उनको साफ़ सुथरा धो करके, यानी कि 5 से 10 पत्ते जिनका भार कोई 10 ग्राम हो जाता है, उसको कूट करके आप प्रयोग में ला सकते हैं। उसका पानी उबाल करके चाय की तरह काढ़ा बना करके फिर दूध चीनी मिला करके वैसे प्रयोग कर सकते हैं, या सूखे पत्ते भी उनको धो करके सुखा करके उनका चूर्ण बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए, तो आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, इस प्रकार से अर्जुन का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ अर्जुन की बनी बनाई औषधियाँ जैसे अर्जुनारिष्ट और अर्जुन घृत, ये औषधियाँ हृदय रोगियों के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाती हैं। लेकिन अर्जुनारिष्ट ऐसी एक औषधि है या अर्जुन क्षीरपाक ऐसी एक विधा है कि बिना रोग के भी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, ये शरीर को ताकत देने वाला भी है। अर्जुन में बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दो तत्व होते हैं, और हड्डियों के ग्रोथ में और हड्डियों के यूनियन में कैल्शियम का एक विशेष रोल है, उसकी उपयोगिता है। इसलिए भी अर्जुन जो है वो अगर फ्रैक्चर वाला पेशेंट है तो उसको अर्जुन का चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम देना चाहिए। और कुछ परंपरागत जो वैद्य हैं जब हड्डी को जोड़ते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लगाते, खपचियों का प्रयोग करते हैं, तो अर्जुन की छाल की खपची लेकर के उससे भी हड्डी को वो सेट करते हैं, उसमें भी अर्जुन का प्रयोग किया जाता है। और इसका स्पर्श भी ठंडा है, जब कभी अस्थि भग्न होता है या हड्डी टूटती है तो वहाँ बहुत गर्मी होती है फ्रैक्चर के स्थान पर, तो अर्जुन की खपची में अगर उसको सेट करते हैं तो उस स्थान पर गर्मी भी नहीं लगती। इसी प्रकार से अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो, या स्त्रियों में कुछ रोग होते हैं जहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इवन अतिसार जो डायरिया होता है उसमें मल के साथ अगर ब्लीडिंग होने लगती है, बवासीर में रक्त आने लगता है मल के साथ, ऐसी अवस्थाओं में भी अर्जुन का चूर्ण आधा चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ उपयोग में करना चाहिए। अर्जुन के अन्य औषधीय उपयोगों में पत्ते और फल भी शामिल हैं। कान के दर्द में पत्तों का रस डाला जाता है। छाल के काढ़े से जख्म धोए जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में अब भी छालों और घावों के लिए अर्जुन की मुलायम शाख को चबाते हैं। अर्जुन के फल का उपयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इसकी छाल सफेद होती है, इसलिए इसे अर्जुन कहते हैं। सब ओर फैला रहता है, अतः ककुभ। नदी तट पर बहुतायत से उगता है, इसलिए नदी सज कहलाता है, और अपने दृढ़ काष्ठ के कारण वीरतरु कहलाता है। इसके औषधीय गुणों का वर्णन अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।
अलग अलग रोगों में इसकी मात्रा, लेने का ढंग, किस प्रकार लिया जाए और किसके साथ लिया जाए अलग अलग है। इसके लिए विशेषज्ञ से परामर्श आवश्यक है। इस तरह न जाने कितने गुण छुपे हैं इन पेड़ पौधों में। ये पेड़ सचमुच संरक्षणीय हैं, आदरणीय हैं।